नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे ऐसी बीमारी की जो व्यक्ति को ना अच्छी लगती है, ना वो करना वैसा चाहता है, लेकिन वैसा हो जाता है। हम बात करेंगे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD की। क्या एक ऐसी समस्या है जिसको ना निगला जाता है ना उगला जाता है, मींस जो ये कर रहा होता है एक्टिविटीज़ इस तरह की जो अभी हम आपको बताएंगे, वह इसको करना नहीं चाहता है, उसको यह करते अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह इसको छोड़ भी नहीं सकता है, क्योंकि जब उसको छोड़ता है तो उसका इतना बुरा लगता है कि वो फिर से करने लगता है। यही OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। सबसे पहले साथियों जान लेते हैं कि OCD होता क्या है। OCD साथियों, जैसा कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर जैसा नाम बता रहा है, आपके विचार ऑब्सेसिव हो जाते हैं और आपके एक्शंस कंपल्सेटिव यानी रेपिटेटिव हो जाते हैं, यानी बार बार एक काम को करते हैं। तो अगर यह दो चीज़ें होती है, इसमें दो चीज़ों का समागम होता है या दो में से एक चीज़ होती है, या तो आपको ऑब्सेशंस होते हैं, आपके ऐसे विचार आते हैं, या फिर आपको कंपल्शंस होते हैं यानी एक ही काम आप बार बार करते हैं, यानी हाथ धो रहे हैं तो 7 बार धो रहे हैं, या फिर आप दोनों करते हैं, यही OCD होता है। इसको और बेहतर समझाने के लिए साथियों हम आपको एक एग्जाम्पल देते हैं, दोनों का एक एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे ऑब्सेशंस में ये होता है, इसे आपने अपने दिमाग में बैठा लिया कि साहब अगर हमारे घर में कपड़े एक ही जगह एक पाइल में ठीक से एक ही जगह पे नहीं रखे गए तो हमारा परिवार जब बाहर को निकलेगा तो उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। ये जो थॉट आपकी आती है, यही ऑब्सेसिव थॉट होती है कि जिसका कोई मतलब नहीं होता लेकिन आप उसको छोड़ नहीं सकते। और कंपल्सिव यानी रिपीटेटिव एक्शन का एग्जाम्पल मैं आपको ये दे सकता हूँ समझाने के लिए कि आपको 7 बार खाने से पहले अपने हाथ धोने हैं। आपको पता है कि आपके हाथ साफ हैं लेकिन फिर भी आप 7-8 बार हाथ धोएंगे, या कुछ भी आप छू दिए, किसी को छू भी दिए और आपको लगा वो गंदा है तो 7-8 बार अपने हाथ धोएंगे। तो यह जो स्थिति होती है साथियों, यही OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होती है। इसके सिम्टम की बात कर लेते हैं साथियों। इसके सिम्टम वही, अगर आपके ऑब्सेसिव थॉट्स आ रहे हैं, विचार आ रहे हैं, तो आपको लगेगा साहब ये बाहर ना निकले वरना इसका एक्सीडेंट हो जाएगा, अगर इसने ये नहीं करा, ये अगर उससे वैसे बोल दिया तो उसके साथ ये हो जाएगा, इस तरह के जो विचार आते हैं, यही आपके ऑब्सेसिव जो विचार आते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता और जिसको आप रोज सोचते हैं, एक ही बात को रोज सोचते हैं, वह ही सिम्टम है ऑब्सेसिव डिसऑर्डर के। और कंपल्शंस के साथियों, जैसे हमने बताया, हाथ धो रहे हैं तो हाथ ही धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं तो सफाई कर रहे हैं, किताबों को सही से रख रहे हैं तो किताबों ही को हर समय सही से रख रहे हैं, तो इस तरह के रिपीटेटिव एक्शन होने लगते हैं, यह जो है सिम्टम होते हैं OCDs के। OCD के साथियों कारणों पर विचार कर लेते हैं। वास्तविक कारण आज तक OCD के नहीं पता है किसी को भी, आज तक वह खोजे नहीं गए हैं, लेकिन माना जाता है कि कुछ चेंजेस ब्रेन में आ जाते हैं जिसके बाद आपके ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं जिसके बाद आपको यह OCD की समस्या हो जाती है। अगर ये समस्या है तो इसका निदान भी है। हम आपको बताएंगे OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। उससे पहले साथियों आपसे फिर रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहेंगे, यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सा से पूछे ना लें। चलते हैं साथियों एक सफ़र पे सुहाने बेहतर स्वास्थ्य के सफ़र पे। आपको बताते हैं OCD को ठीक करने की 10 कारगर होम्योपैथिक दवाएं। OCD की साथियों एक स्थिति बनती है इसमें, जब आपके एक थॉट्स आने लगती हैं ऑब्सेसिव कि कोई हमारा पीछा कर रहा है, कोई हमको जहर दे देगा, कोई हमको मार देगा। और जैसे एक होता है कुछ लोगों में बड़ा, इसको श्राप दे दूंगा तो ये बर्बाद हो जाएगा, जो इस तरह की इसको बद्दुआ दे दूंगा तो ये ख़त्म हो जाएगा, जो इस तरह के विचार एक व्यक्ति में आते रहते हैं, वो रिएक्शन करता रहता है, उस स्थिति की ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है एनाकार्डियम ओरिएंटल। आप एनाकार्डियम 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दे सकते हैं कि अगर आपको ऐसा मरीज दिखता है या ऐसा आप घर में किसी को देखते हैं तो लगातार सबको दुआ या बद्दुआ ही दे रहा है, डेड लोगों की आवाज़ें और सपने उसके आ रहे हैं, विचार उसके आ रहे हैं, और उसको लगता है वो सड़क पे चल भी रहा होगा तो कोई उसको मार डालेगा, इस तरह के अगर विचार हों आपके या किसी के तो
वास्तव में उस मरीज की दवा एनाकार्डियम ओरिएंटेल है। 200 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देकर आप इस दवा को स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों अक्सर बुजुर्गों में कि वो कहते हैं कि अब मेरी मौत बहुत करीब आ गई और अब किसी डॉक्टर को बुलाने से फ़ायदा नहीं, अब यह सब लोग हमारे आसपास रहो, मेरी मौत कभी भी हो सकती है। तो अगर यह स्थिति साथियों हो, यह मन में विचार हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और इस OCD से और ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर से अपने को निकालने की बहुत अच्छी दवा है आर्सेनिक एल्बम। आप आर्सेनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं कि अगर आपको अपनी मौत का डर सता रहा हो, आपको पता हो अब आप मरने वाले हैं, आप में बेचैनी हो, आप में एंशियसनेस हो, अगर यह स्थिति हो साथियों तो आर्सेनिक एल्बम लेके आप अपने को या मरीज को ठीक करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। एक स्थिति आती है साथियों OCD में कि जब मरीज बहुत शक्की होता है, उसे हर आने वाले पे शक होता है, आपका परिवार का भी व्यक्ति आ रहा है तो आप उस पर भी शक कर रहे हैं, तो अगर ऐसी स्थिति हो साथियों तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है हाइमोसाइमस नाइगर। हाइमोसाइमस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस व्यक्ति को दी जा सकती है जिसका बहुत शक्की मिजाज हो, जिसको कपड़े बार बार उतारने की आदत हो यानी लेसिवस मीनिया हो, और जो हर समय बलगर बातें करता हो, उस स्थिति को ठीक करने की बहुत कारगर दवा साथियों हाइमोसाइमस है। यह दवा का प्रयोग करके ऐसे मरीज की मदद करी जा सकती है। फिर एक स्थिति आती है किन्हीं लोगों के साथ, किन्हीं साथियों के साथ, कि वो कहीं से गुजर रहे होते हैं तो उनमें एक इम्पल्सिव थाट आने लगती हैं, जैसे ट्रेन से निकल रहे हैं तो मन करता है ट्रेन से कूद जाएं, किसी पुल को पार कर रहे हैं तो मन करता है पुल से नीचे कूद जाएं, किसी ऊंचाई की जगह पर पड़े तो वहां से छलांग लगा दें, बिल्डिंग पर खड़े तो बिल्डिंग से छलांग लगा दें। अगर इस तरह का कभी भी विचार किसी के दिमाग में आता है तो उस विचार को ख़त्म करने की, OCD को ख़त्म करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है आर्जेंटम नाइट्रिकम। आप आर्जेंटम नाइट्रिकम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको कि एक इम्पल्स आती हो साहब कि हम कूद जाएं कहीं से भी, तो ऐसे लोगों के लिए, ऐसे मरीजों के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस आर्जेंटम नाइट्रिकम है। एक साथियों स्थिति आती है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, वह होती मरने और मारने की स्थिति। हर समय आपको किसी को देख के लगता है ये मेरा दुश्मन है, इसको मैं मार दूंगा, आपके मन में हर समय यह विचार आता है या खुद को मार लूंगा। अगर आपके हर वक्त इस तरह का आपके मन में विचार आता है तो इस विचार को ख़त्म करने की, OCD को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है इग्निशिया अमारा। आप इग्निशिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपके जो इम्पल्स है किल करने की या ख़त्म हो जाएगी और आप अपने को फिट महसूस करेंगे। फिर साथियों OCD के मरीज में एक सिम्टम आता है ज़िद का। अगर आपका काम आपकी तरह से नहीं हुआ तो आप वायलेंट हो जाते हैं, आप परेशान हो जाते हैं। अगर यह स्थिति साथियों है तो इसको ठीक करने की और OCD को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 32 बूंद दिन में 3 बार हर उस व्यक्ति के लिए कारगर है जो ज़रा सी बात से इरीटेट हो जाता है, उसकी ज़रा सी बात पूरी नहीं हुई, ज़रा सी जिद पूरी नहीं हुई तो बहुत इरीटेट होकर वो बहुत परेशान हो जाता है, उस मानसिक स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नक्स वोमिका है। फिर साथियों OCD के कंडीशन आती है कि आपका दिमाग की स्थिति ये हो गई कि आप ज़रा सी बात पर रोने लगे, नर्वस हो गए। अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की, OCD को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है पल्सेटिला निग्रा। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेके आप इन परिस्थितियों से निपट सकते हैं और अपने को फिट कर सकते हैं। पल्सेटिला के मरीज को प्यास नहीं लगती, वह बहुत शांत स्वभाव का होता है और शायद इसीलिए छोटी सी बात पर उसके रोना आ जाता है। एक स्थिति आती है साथियों कि व्यक्ति हर समय सामान को ही सलीके से रखता रहता है घर में, वो एक फ़ोटो भी टेढ़ी नहीं देख सकता। तो फोटो ना टेढ़ी देखना तो अच्छी बात है, लेकिन एक ही काम को, अभी अलमारी सही कर रहे हैं तो अलमारी ही सही कर रहे हैं, रैक्स को सही कर रहे हैं तो रैक्स को ही सही कर रहे हैं, एक ही काम करते जा रहे हैं केवल। तो अगर वो स्थिति है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है आपको, तो उस स्थिति को ठीक करने की OCD में बहुत कारगर दवा है आर्सेनिक एल्बम।
आप आर्सनिक एल्बम 32 बूंद दिन में 3 बार लेके अपनी इस मानसिक सिचुएशन को ठीक कर पा सकते हैं जहाँ पे आप रेपिटेटिव एक ही काम कई बार कर रहे हैं। फिर साथियों एक स्थिति आती है कि ओसीडी का पेशेंट बार बार ताले ही चेक करता रहता है, साथ ताला लगा कि नहीं, ताला घर पे लगाया, कहीं जा रहे हैं फिर उनको याद आया ताला नहीं लगा होगा, फिर चले आए, फिर थोड़ी दूर गए फिर चले आए, और इसी तरह वो घर ही से नहीं जा पाते जल्दी। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा नेट्रम म्यूरेटिकम है। नेट्रम म्यूरेटिकम 1 एम्पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली आप ऐसे मरीज को दे सकते हैं जिसको बार बार ताला चेक करने की आदत हो, उसको नमकीन खाना बहुत पसंद हो और उसमें गुस्सा बहुत हो। इस स्थिति की दवा नेट्रम्यूर है, यह दवा आपको ठीक कर देगी। फिर साथियों एक स्थिति आती है कभी कभी ओसीडी की कि आपको लगता है कि आपको कैंसर हो जाएगा, कोई भी एक फोड़िया दाना कुछ निकला आप दिन भर यही सोच रहे हैं आपको कैंसर हो जाएगा। तो अगर यह थॉट आपके मन में बार बार आती है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कार्सिनोसिन। आप कार्सिनोसिन 32 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि जो मन में आपको बार बार कैंसर होने की पुनरावृत्ति की आपको विचार आ रहा है वह ख़त्म हो जाएगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। एक जो बहुत कॉमन स्थिति ओसीडी के मरीज में आती है वो आती है बार बार हाथ धोना। किसी को भी छू लिया तो 10 बार हाथ धोएंगे अगर वो समझते हैं कि उसको गंदा है। खाना खाया उसके बाद या खाना खाने से पहले 10 बार हाथ धो रहे हैं। हाथ धोना बुरी बात नहीं है लेकिन इसका दीवानापन बुरी बात है। तो इस तरह के पेशेंट को ठीक करने की जो बार बार इसके हाथ धोने की टेंडेंसी हो बहुत कारगर दवा है सिफ्लिनम। आप सिफ्लिनम 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जिसको बार बार हाथ धोने की आदत हो, रिपीटिटिवली वो हाथ साफ करता रहता हो और किसी भी गंदे व्यक्ति को छू लेता हो तो मन में एक वहम पैदा हो जाता हो फिर वो दसियों बार हाथ धोता हो। तो आप सिफ्लिनम 1 EM ऐसे मरीज को देकर या खुद लेकर अपने जीवन को आसान कर सकते हैं। फिर साथियों एक कुछ मरीजों में एक पिक्यूलियर सिम्टम होता है कि उनको ऑलपिंस या पिंस जगह जगह एहसास होता है पड़ी होंगी और वो कहीं बैठते नहीं हैं। लेटने से पहले भी वो चादर को 20 बार झाड़ते हैं कहीं ऑलपिन तो नहीं पड़ी है, कहीं किसी तरह की पिन तो नहीं पड़ी है। ऐसे मरीजों को इस मेंटल स्थिति से बाहर निकालने की बहुत अच्छी दवा सैलिसिया है। आप सैलिसिया 1 EM की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली हर उस मरीज को दे सकते हैं जिसको पिंस से हर जगह डर लगता हो जो वास्तव में वहाँ पे मौजूद नहीं है। ऐसे मरीजों के लिए ड्रग ऑफ द चॉइस सैलिसिया है। फिर साथियों एक और स्थिति आती है ओसीडी में ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में कि मरीज कहता है हम पागल हो गए। तो अगर यह स्थिति आ जाए कि मरीज ये कहे साहब हम पागल हो जाएंगे या पागल हो गए और वो बार बार पागल होना चाहे, वैसे रिएक्शंस करना चाहे, तो ऐसे लोगों को होम्योपैथी में ठीक करने की बहुत अच्छी दवा कैल्केरिया कार्ब है। कैल्केरिया कार्बोनिकम 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार आप हर उस व्यक्ति को दे सकते हैं जो थोड़ा मोटा फैबी और थुलथुल हो, बार बार एक पागलपन का दौरा टाइप उसको पड़ता हो यानी कि इडियोसी अनएक्सप्लेन्ड रैश बिहेवियर करता हो और उसके सर से बहुत पसीना आता हो, जो शाम को रात में सोते हो तो सर के तकिया तक गीला हो जाता हो पसीने से, ऐसी स्थिति हो साथियों तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में निश्चित रूप से बहुत कारगर दवा कैल्केरिया कार्ब है। फिर साथियों ओसीडी की एक स्थिति आती है कि हर समय आपको हंसी आती रहती है। अगर साथियों यह स्थिति कि हर वक्त आपको हंसी आती रहती कभी आप सीरियस होते ही नहीं हैं तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है कैनाबिस इंडिका। आप कैनाबिस इंडिका 30 पावर में 2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। आप देखेंगे कि आपको जो ये जहां ज़रूरत नहीं है वहां भी हंसी आने वाली जो टेंडेंसी है वह ख़त्म हो गई और आप फिट हो गए। फिर साथियों एक ओसीडी की स्थिति आती है, इस स्थिति को आप अन्यथा ना लीजिएगा लेकिन ये कभी न कभी ये मेंटल स्टेट भी हो सकती है। हो सकता है आप लोग जो सब इबादत कर रहे हैं पूजा कर रहे हैं वो उनको ओसीडी ना हो, भाई जिसने सब कुछ दिया उसकी पूजा करने में इबादत करने में उसको शुक्रिया अदा करने में कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक स्थिति आती कुछ लोग होते हैं जो दिन भर किताब लिए घुमा ही करते हैं और कहीं पर भी बैठ जाते हैं, अगर वह स्थिति हो जब यहाँ बीमारी तक आ जाती है ओसीडी में क्लासिफाई होती है तो उस तरह की लगातार रिलीजियस एक्टिविटी करते रहने की बहुत कारगर दवा होम्योपैथी में स्ट्रेमोनियम है।
स्टेरमोनियम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार हर वो व्यक्ति ले सकता है जो हर समय सिर्फ रिलीजियस पूजा ही करता हो और उसकी और जिम्मेदारियों से वो भागता हो अपनी। ठीक है, व्यक्ति वो है जो सारी चीज़ों को बांध के चले, सारी चीज़ों को साध के चले। तो अगर यह स्थिति है कि आप जैसे परेशान है, बहुत से हमारे पास पेशेंट्स का फ़ोन आता है कि हमारा बच्चा तो दिन भर पूजा पाठ में लग गया, ना पढ़ाई कर रहा है, ना घर के काम करता है, ना करियर की सोच रहा है। कोई कोई IIT का बच्चा है, IIM का बच्चा है, उसे एकदम से उसने अपनी स्टडीज़ छोड़ दी और पूजा पाठ में लग गया। तो हर चीज़ को बैलेंस करके चलना ही जीवन का नाम है। इंसान वही जो सब कुछ बैलेंस करके चले। बाकी ये काम तो कोई भी कर सकता है अगर पूरे वक्त जीवन में एक ही काम हो उसके पास करने के लिए। तो इस समस्या से निकालने की साथियों दवा स्टेमोनियम है। आप अपने बच्चे को स्टेमोनियम 30 दो दो बूंद दिन में तीन बार देकर लाभ ले सकते हैं। एक साथियों स्थिति आती है, एक मन का भाव आता है OCD के पेशेंट्स में, किन्हीं पेशेंट्स में, कि उन्हें लगता है कि वो बहुत एक सुपर नेचुरल पावर के साथ खड़े हैं। एक सुपर नेचुरल पावर उनकी बड़ी मदद कर सकता है और वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर साथियों यह स्थिति हो मेंटल, जिसमें लगता हो कि आप सुपर नेचुरल पावर आपको गवर्न कर रहा है और आप किसी की कोई अच्छी बात नहीं सुनते, आप अपने को बिल्कुल सुप्रीम मानते हैं और मानते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, वह जो स्थिति है उसको ठीक करने की OCD की होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है लेकासिस। आप लेकासिस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट फासले पर वीकली दे सकते हैं उन परिस्थितियों में जब लगता हो कि मरीज बार बार सुपर नेचुरल ऊपरी ताकतों की बात करता है और कहता है ऊपरी ताकतों का हम पे हाथ है और हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा लेकासिस है। फिर साथियों एक OCD के पेशेंट में स्थिति रहती है आत्महत्या की। क्या हम सुसाइड कर लेंगे, हम पानी में कूद के डूब के मर जाएंगे, हम कहीं छलांग मार देंगे नदी में। अगर यह स्थिति हो साथियों, सुसाइडल टेंडेंसी हो, तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में OCD को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है और दवा का नाम है रस्टॉक्स। आप रस्टॉक्स 1 mg पावर की दो दो बूंद सुबह, दो दो बूंद दोपहर, दो दो बूंद शाम, यानी 3 खुराक ले सकते हैं डेली जब आपके ऐसा मन आता हो कि अब हमको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तो रस्टॉक्स इज द ड्रग ऑफ द चॉइस फॉर यू। यह दवा आपको इस समस्या से निकाल के आपके जीवन को बेहतर और खुशहाल बना देगी। ये साथियों को दवाएं थी OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर की। कोई भी दवा हो साथियों, कुशल चिकित्सक से अपने सिम्टम से प्रिस्क्राइब करा के ही लीजिएगा। यहाँ पर इन दवाओं का मकसद है आपको बताना, होम्योपैथी को आपके करीब लाना। आपके मन में कोई भी क्वेरी हो साथियों, आप YouTube नोटिफिकेशन पैनल में अपनी क्वेरी को लिख सकते हैं या फिर हमारे WhatsApp नंबर 9415783 9415786 पर अपनी क्वेरी WhatsApp कर सकते हैं। आपको संतोषजनक जवाब देने का प्रयास किया जाएगा। अगर साथियों आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, अपने चैनल को शेयर करिएगा और बेल नोटिफिकेशन बटन क्लिक करके यूँ ही आप नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त करते रहिएगा। आपका साथियों इतने वक्त हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।